कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बिस्किट यू लाइक द मोस्ट ओके तो टीचर हैं जो पूछते हैं कि क्या तुम तो मुझे उस बिस्किट का नाम बताओगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स यस सर वी लाइक राज बिस्किट्स तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर हमें राज बिस्किट बहुत ही पसंद है टीचर नाउ टेल मी वॉट इज दस बिस्किट मेड आफ ही शोज अ बिस्किट ओके तो फिर उसके बाद टीचर जो है वो क्या करते हैं एक बिस्किट दिखाते हुए है, पूछते हैं कि बताओ ये बिस्किट किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स सॉरी सर वी डोंट नो ओनली द मैनुफैक्चर कैन टेल दस ओके तो बच्चे बोलते हैं कि सर आई एम सो सॉरी हम लोग तो नहीं बता पाएंगे जो तो बच्चे कहते हैं कि सर जो जिसने ये बिस्किट बनाई है बस वही बता सकता है हम लोग कैसे बता सकते हैं टीचर ओ नो यू नीड नॉट टू गो टू द मैनुफैक्चरर इट इज गिवन ऑन द इट्स रैपर ओके तो टीचर बोलते हैं क्या कि तुमको जिसने बनाया है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है है ना ये जो रैपर है ये जो इसका पॉलिथिंग है और बोल सकते हैं जिससे ये कवर्ड है इस पर ही सारी चीज़ें लिखी हैं मधु सो आई हैव अ रैपर ऑफ सरोज बिस्किट ही शोज द रैपर ओके तो मधु नाम की एक लड़की है वहाँ पर वो बोलती है कि सर मेरे पास सरोज बिस्किट का रैपर है है ना और वो वो रैपर फिर वो पन्नी वो दिखाती है सर को टीचर ओके गुड बट लिसन एट स्पीक समथिंग लुक वेयर द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन ठीक है तो टीचर बोलते ठीक है बहुत अच्छी बात है और देखो उस रैपर पे वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कहाँ लिखे गए हैं टीचर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रैपर इज इम्पॉर्टेंट यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट तो टीचर फिर बोलते हैं कि जो भी रैपर पे इंफॉर्मेशन जो भी जानकारियाँ दी गई हैं रैपर पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें देखना चाहिए ना लुक एट द इंफॉर्मेशन केयरफुल एंड आंसर माई क्वेश्चन ठीक है उसके बाद बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उस रैपर पे दिया गया है उस रैपर को देखो और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उन क्वेश्चन के आंसर दो टीचर वैन द बेस्केट मैनुफैक्चर ठीक है टीचर फिर पूछते हैं कि बताओ ये जो बिस्किट है वो कब बना था असीत सर इट इज़ मै टेन टू थाउजेंड सिक्सटीन तो असीत नाम का एक लड़का है वो कहता है कि सर मैं टेन ओके टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये मैनुफैक्चर हुआ था ये बना था टीचर इट इज़ कॉल्ड मैन्यूफैक्चरिंग डेट तो टीचर बोलते हैं कि उसे क्या कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डेट कहा जाता है जब वो बनता है उस डेट को मैन्युफैक्चरिंग डेट कहा जाता है इट्स प्रिंटेड एज पी के डी और एम एफ जी डेट ओके और ये जो है इस किस नाम से शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है पी के डी मतलब पैक्ड ओके का पैक हुआ था एंड एम एफ डी मतलब मैनुफैक्चर्ड का शॉर्ट फॉर्म एम एफ डी ठीक है अदिति सर इट्स मीन इट वॉज प्रेपेयर इन द मंथ ऑफ मैथ टू थाउजेंड सिक्सटीन तो आदिति है वो पूछती है कि सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथ टू थाउजेंड सिक्सटीन को बना था टीचर यस वेरी गुड आदिति नाउ टेल मी हाउ लॉन्ग शुड यू ईट इट ओके फिर टीचर पूछते हैं कि बहुत बढ़िया आदिति अब मुझे तुम ये बताओ कि इसे अपन कब तक यूज़ कर सकते हैं और कब तक खा सकते हैं मंजू सर वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन आई कैन कीप इट सेफ इन माई अलमेरा एंड वैन एवर आई रिक्वायर्ड आई कैन ईट इट तो मंजू है वो क्या कहती है सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मैं इसे क्या करूँगी अपने अलमेरा में रख देती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अगर इसको खाना है तो मैं खा लूँगी टीचर ओ नो यू कान डू दैट देय एन एक्सपायरी डेट फॉर एवरी एडेबल आइटम तो टीचर क्या बोलते हैं नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो ओके okay, जो भी खाने की चीजें होती हैं उनकी क्या होती है एक्सपायरी डेट होती है हो, खत्म होने का दिन होता है टीचर नीरज लुक एट द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन इट टीचर बोलते हैं नीरज से कि जो भी एक्सपायरी डेट लिखा है आ, किस पे रैपर पे उसे देखो नीरज स so,

Uh, उसके छः महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो उसका जो छः महीने पूरा हो रहा है वो नवंबर में हो रहा है फिर ऐसा बोलते हैं नीरज और उसके बाद कहते हैं कि सर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं टीचर द एक्सपायरी डेट इज़ नाइन नवंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड इट्स दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन इट मीन्स द बिस्किट इज इन दिस पैकेट आर हार्मफुल टीचर बोलते हैं कि जो एक्सपायरी डेट नाइन नवंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन है और दिसंबर से इस पैकेट को आप क्या कर सकते हो यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है है ना यू शुड थ्रो दैम अवे दे आर नॉट एट ऑल सेफ टू ईट ओके तो टीचर बोलते हैं कि आपको उसे क्या करना होगा इसके बाद फेंक देना होगा खाना नहीं होगा क्योंकि आपके लिए सेफ नहीं है सौम्या लेट मी ऑल्सो सी वेयर द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड सोम्य कहती है कि मुझे भी देखने दो कहाँ पर एक्सपायरी डेट प्रिंटेड होता है देन शी शो द एक्सपायरी डेट टू ईच स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट्स थैंक द टीचर टू मेक दैम अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उसके बाद वो खुद देखती है कहाँ पर एक्सपायरी डेट प्रिंट हुआ है और उसके बाद वो सारे बच्चों को दिखाती है और सारे बच्चे अपने टीचर को धन्यवाद करते हैं कि उनके टीचर ने उन्हें इतनी अच्छी बात सिखाई टीचर Now be careful whenever you purchase or use any edible item. You should look at the expiry date on it. Expiry date is printed on every edible item. For example, biscuit, chocolate, milk product, medicine, oil product. एक्सेट्रा देयर वन मोर इन्फॉर्मेशन सॉरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ओके तो टीचर बोलते हैं कि आप जब भी कुछ खाने की चीज़ें खरीदने जाएँ तो आपको उस समय क्या होना चाहिए सावधानी से उस चीज़ को खरीदना चाहिए आपको उस पर एक्सपायरी डेट चेक कर लेना चाहिए ठीक है जैसे कि आप बिस्किट खरीदें या फिर कोई चॉकलेट खरीदें या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट कुछ कुछ दूध का कुछ बना हो या फिर दवाई हो या फिर कोई ऑयल हो कोई तेल आप खरीद रहे हैं तो ये सारी जब चीज़ें आप खरी खाने वाली जब आप चीज़ें खरीदें तो उन सब चीज़ों को देख लें उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है और फिर उसके बाद बोलते हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है स्टूडेंट वॉट्स डैट सर फिर बच्चे पूछते हैं कि सर वो क्या है टीचर There is either a green circle or a red circle in a square on the wrapper. The green circle indicates that the item consists only vegetable item ingredients. Sorry, but the red circle indicates that the item consists some. नॉन वेजिटेबल इन्ग्रीडियंट्स ठीक है तो टीचर बोलते हैं कि आप जब भी पैकेट खरीदने खाने का तो उस पैकेट पे आप देखिए वहाँ पर आपको रेड सर्कल या फिर ग्रीन सर्कल दिखेगा रेड सर्कल मीन्स कि जो भी वो प्रोडक्ट बना है उसमें कुछ वेजिटे नॉन वेजिटेरियन भी मिला हुआ है ठीक है और अगर ग्रीन है तो वहाँ वो जो प्रोडक्ट है वो प्योर वेजिटेरियन से वेजिटेबल आइटम से बना हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच नाव ही वल ऑलवेज लेसन टू दि रैपर बिफोर यूजिंग एनी एडेबल आइटम ठीक है बच्चे बोलते सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम ये आगे से ख्याल रखेंगे ये ध्यान रखेंगे जब भी हम एडेबल आइटम कोई भी खाने की चीज़ें खरीदें तो उस पर ये सारी चीज़ें देख लें और क्या रैपर बोल रहा है वो सारी चीज़ें अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख कर ही लें क्चर मैनुफैक्चर मीन क्या होता है, है ना वो कंपनी वो इंसान जो क्या करे कुछ चीज बनाए रैपर मीन्स क्या होता है गुड ठीक है एक प्रिंटेड आपको कवर मिलता है जिससे वो क्या आ, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते तो उस प्रोडक्ट को रैप करा हो ठीक है इनग्रीडियंट मतलब क्या होता है वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम विच समेड ओके okay, वो चीज़ जो आप खरीद रहे हैं वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है वो होता है इन्ग्रीडियंट्स एडिबल मीन्स फिट टू बी ईटेन ठीक है खाने के योग्य एक्सपायरी डेट द डेट आफ्टर विच इट इज़ हार्मफुल टू यूज एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है उस वो डेट जिसके बाद आप अगर उसे खाएं उस चीज़ को तो वो आपके लिए हार्मफुल हो मिल्क प्रोडक्ट मीन्स थिंग्स मेड ऑफ मिल्क मिल्क प्रोडक्ट मीन्स जो भी चीज़ें किससे बनी हो दूध से बनी हो इनग्री इंडिकेट इंडिकेट टू बी साइन ऑफ समथिंग कुछ आपको साइन दे कुछ इशारा करें उसको क्या कहेंगे अपन इंडिकेट ना कम टू द एक्सरसाइज एंड फर्स्ट वन इज लिसन एंड रिपीट यू कैन सी लुक ओके नीड रीड डीड एक्सपायरी सॉरी यस एक्सपायरी इंक्वायरी एंड इनक्वायरी So, you have to write it like this rhyming word. First one is look, hook, book. Second one is like, bike, mike Okay, like, mike bike. And third one is need, read, deed. Fourth one is expiry, inquiry, and inquiry. Let's come to the next read and learn. Okay, uh, uh, we have two column column A and column B. Okay, so you can see here it is a green sign, it is a red sign. Okay, and in बिटवीन दिस कॉलम वी हैवन वर्ड दिस इज़ इंडिकेट्स तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं ये इधर दिया गया है ग्रीन साइन क्या इंडिकेट करें द फूड इज़ वेजिटेरियन ओके वो फूड क्या है वेजिटेरियन okay? है? है जो भी आइटम पर जो भी प्रोडक्ट है आप खरीदते हैं खाने का तो so, अगर आप उसमें ग्रीन साइन देखें तो उस ग्रीन साइन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो वेजिटेरियन है रेड साइन अगर हो तो द फूड कंसिस्ट सम नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स ठीक है वो जो है उसमें रेड साइन यूज़ हुए हैं तो मतलब उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी है पी के डी मीन्स क्या होता है द दे डेट दे ऑफ पैकेजिंग है ना कब ये चीज पैक हुआ था वो पी के डी लिख कर आपको शो करा जाता है ई एक्सपी और डॉट डी टी लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है एक्सपायरी डेट उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है द डेट ऑफ एक्सपायरी ओके ई एक्सपी इ शोज द डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सपायरी डेट का भे? कब खत्म होगा वो कब यूज़ करने लायक नहीं रहेगा वो प्रोडक्ट ठीक है नेट वेट एन ई टी और डब्ल्यू टी से आपको शो करा जाता है नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है नेट वे वेट क्या है उस प्रोडक्ट का वजन कितना है ना कम टू द नेक्स्ट पेज दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन

प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक की पॉलीथिन भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की बॉटल आप अगर कुछ ख़रीद रहे हैं तो उस पर आपने देखा होगा ना बॉटल ख़रीदे और उसके ऊपर एक पेपर आपको कवर करके उस प्लास्टिक की बॉटल को और वापस सा भी चीज़ें क्या है इन्फॉर्मेशन सारी आपको मेंशन की जाती है ना ये होता है रैपर क्वेश्चन नंबर टू एज़ वॉट इन्फॉर्मेशन एज यूजली गिवन ऑन अ रैपर ओके क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है कि क्या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो है वो रैपर के ऊपर दी, दी, तो so, दी, दी जा दी गई होती है वो अपन को बताना है तो चैप्टर तो आपने ही लिया था है ना आप यू कैन आंसर इट इजीली सो आंसर नंबर टू एज इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजुअली गिवन ऑन रैपर आर क्या क्या हुआ है वो फर्स्ट वन इज नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है नेट वेट दी गया दी गई होती है सेकेंड वन एज़ एम दी गई होती है है ना थर्ड वन एज डेट ऑफ पैके पैकिंग पी के डी कब पैक हुआ था वो और फोर्थ वन इज़ डेट ऑफ एक्सपायरी कब एक्सपायर होगा एंड इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से यूज़ हुए इसमें ये फिफ्थ नंबर पे दिया गया मैनूफैक्चर्ड बाय किसने बनाया है उसे ये भी आपको उस रैपर के ऊपर दिया जा गया होता है सेवंथ वन इज वेदर द फूड इज वेजिटेरियन और इट इज़ कंसिस्ट सम नॉन वेज वेजिटेरियन इन्ग्रीडियंट्स इट इज़ ऑल्सो गिवेन एन और इन रैपर ओके ये भी रैपर के ऊपर ही दिया गया होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन हाउ डू यू नो द डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग आप डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग कैसे पता करते हैं है न so you can answer it like this we can read the date of manufacturing on the wrapper it is printed as PKD or MFG date okay इस नाम से print हुआ रहता है ठीक है PKD और MFG कब manufacture हुआ था और कब packed हुआ था और अपन इसे कहाँ पर देख सकते हैं wrapper में फोर्थ वन है शुड वी यूज़ एन एडेबल आइटम आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी से पूछा गया है कि क्या हम पर लोग एडेबल आइटम खाने की चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो द इजी क्वेश्चन यू कैन आंसर डेट सो द आंसर इज नो वी शुड नॉट यूज़ एन एडेबल आइटम आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी एज इट इज़ नॉट सेफ टू ईट आफ्टर एक्सपायरी डेट ओके अपन लोग जो हैं एडबल आइटम उसके एक्सपायर होने के बाद नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ़ है ना वो अपने लिए सुरक्षित नहीं है एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करना फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर एज द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड आपसे पूछा गया है कि एक्सपायरी डेट कहाँ पर प्रिंट हुआ होता है ना यहाँ देखिए यहाँ पर आपको एक रैपर दिया गया है इस रैपर को देखिए एक्सपायरी डेट डेट कहाँ पर प्रिंट हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट के जस्ट नीचे आपको एक्सपायरी डेट बताया गया बेस्ट विद इन ओके एक और रैपर अपन को दिया गया था सरोज बिस्किट का इस पर आप देखिए यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसके जस्ट नीचे ही आपको एक्सपायरी डेट दिया गया है यही क्वेश्चन कर रहा है सो वी कैन ईजिली आंसर दैट द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड ऑन द रैपर आफ्टर द डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग है न अपन कह सकते हैं कि एक्सपायरी डेट जो है वो क्या करा गया है रैपर पे दिया गया गया होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वॉट ग्रीन सर्कल इन स्क्वायर इंडिकेट है ना स्क्वायर में जो ग्रीन सर्कल होता है वो क्या इंडिकेट करता है सो यू ऑल नो द ग्रीन सर्कल इन दिस स्क्वायर इंडिकेट दैट द फूड इज वेजिटेरियन जो ग्रीन सर्कल है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो वो फूड है जो प्रोडक्ट है वो कैसा है वेजिटेरियन है उसमें जितने भी इनग्रीडियंट्स यूज हुए हैं वो क्या है वेजिटेरियन है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए वॉट इज़ द रेड सर्कल इन द स्क्वाट फॉर ओके जो रेड सर्कल बना होता है वो किसके लिए बना होता है सो द आंसर इज द रेड सर्कल इन द स्क्वा इंडिकेट द फूड इज वे येज नॉट इट इज़ नॉन वेजिटेरियन इट इज़ माई मिस्टेक इट इज़ नॉन वेजिटेरियन ओके रेड सर्कल अपन को क्या इंडिकेट करता है नॉन वेजिटेरियन उसमें प्रोडक्ट यूज हुए हैं ये अपन को इंडिकेट करता है रेड सर्कल एट्थ क्वेश्चन एंड दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन इफ़ यू आर वेजिटेरियन वॉट शूड यू लुक एट द रैपर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रैपर में क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको आंसर करना है आई थिंक यू ऑल नो तो क्या देखेंगे आप यस yes, आप देखेंगे रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल को देखेंगे कि उस रैपर में कौन सा सर्कल बना हुआ है इफ़ आई एम अ वेजिटेरियन आई शुड लुक फॉर द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर आर द रैपर है ना आप रैपर में ये देखेंगे कि उस रैपर में ग्रीन सर्कल बना है कि नहीं बना है अगर वो रेड सर्कल बना है यू विल नॉट बाय दैट है ना और अगर नहीं बना है तो आप खरीद लेंगे उसे है ना ग्रीन सर्कल वाला अपन खरीदेंगे कम टू द नेक्स्ट नाउ लुक एट दिस रैपर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सो यू हैव टू लुक एट केयरफुली ये देखिए किटी सॉल्च का आपको रैपर दिया गया है ठीक है नेट वेट है इसका एक के जी एंड एम आर पी है सात सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो पैसे रुपए सॉरी एंड डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग और पैकेजिंग कब है इसका फाइव टू थाउजेंड सिक्सटीन सॉरी फाइव टू थाउजेंड सिक्स और बेस्ट इन क्या लिखा गया है टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग दो साल पैकेजिंग के दो साल तक आप यूज़ कर सकते हैं इसे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से कॉमन सॉल्ट ठीक है आइडन ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं मैनुफैक्चर्ड बाय कौन है भाई मैनुफैक्चर्ड कौन है किसने बनाया है मैनुफैक्चर्ड बाय किटू सोडियम क्लोरो लिमिटेड गुजरात नाउ टर्न योर पेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जो रैपर आपने देखा उसका नाम क्या है यू कैन आंसर इट इजीली है ना किटू सॉल्ट नाम है

क्वेश्चन नंबर फोर इज कैन यू टेल इट्स वेट क्या आप इसका वेट बता सकते हैं यू कैन टेल इट है it, ना इट्स वेट वन के जी दिया गया रैपर में डज इट कंटेन ग्लूकोज ये पूछा गया है कि क्या ग्लूकोज कंटेन है इसमें इस सॉल्ट में सो इनग्रीडियंट्स में, so, में अपन ने देखा था नहीं है ना नो इट कंटेन ग्लूकोज अपन ये आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स दर शुड एट बी यूज इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन So the answer is no. We cannot use it in uh, month of December two thousand sixteen. As MFD it means manufacture date or packaging date of this product is five two 6, sorry, and this uh, product is best within two year of this date only. so is five 2006 se two thousand use kar So it is not uh, safe. Question number seven is. Uh, एज एट फॉर वेजिटेरियन जो वेजीटेरियन है उन लोगों के लिए ये हैं सो द आंसर इज़ यस इट एज फॉर वेजीटेरियन है ना वेजीटेरियन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट कंटेन वॉट ग्रीन साइन क्वेश्चन नंबर एट इज़ हाउ डू यू नो दैट इट इज़ मेड ऑफ वेजिटेबल इन्ग्रीडियंट्स है ना आपको कैसे पता चलेगा पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेबल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है सो यू कैन ईजिली आंसर एट द सिम्बॉल ऑफ अ ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर ऑन द रैपर इंडिकेट दैट इट इज़ मेड ऑफ वेजिटेबल इन्ग्रीडियंट्स है ना जो सिम्बॉल दिया गया है बना है इस रैपर पर वो ग्रीन सिम्बॉल वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्ग्रीडियंट है इसमें आ, जो प्रोडक्ट है इसमें वेजिटेबल इन्ग्रेडियंट्स ही यूज़ करे गए हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इट आयोडाइज्ड है ना क्या इसमें आयोडीन है आंसर इज यस इट इज आयोडाइज बाई लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ इन्ग्रीडियंट है ना जो इनग्रीडियंट्स की लिस्ट दी गई हैं उसको देखते हुए अपन कह सकते हैं कि ये जो है आयोडाइज है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इज हु इज द मैनुफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट का मैनुफैक्चर कौन है यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन So the answer is Sodium Chlora Limited Gujarat is the manufacturer of this product. Okay. And this is done. Now come to the next section that is grammar and use. So now A1 is study the following sentence. Okay. First one is it's made of sugar. Second one is it's May 2016. Third one is it's best to use within six months from the date of manufacturing and fourth one is it's vegetarian food and fifth one is it's printed as mft so first sentence ka matlab kya hua ki ye sugar se chini se bana hua hai मैं तो 2016 है ठीक है और इसको आपको छः महीने से पहले use करना है manufacturing से छः महीने से पहले तक है ना और fourth one एज ये vegetarian food है इसमें कुछ भी नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज हुए फिफ्थ वन इज एम एफ डी प्रिंट है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट फल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इट्स एज शोन इन द एग्जांपल। ओके जैसे यहाँ पर एग्जांपल में इट्स इट्स यूज हुए हैं यू हैव टू डू द सेम इन दिस ओके एग्जाम्पल एज दिस इज अ पेन इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक ये क्या है पेन है और ये किस चीज़ से बना है प्लास्टिक से बना है नाव कम टू द नेक्स्ट दिस इज अ ग्लास ये क्या है ग्लास है और ये किस चीज से बना है ग्लास से ही बना है इट्स यू हैव टू राइट ओनली इट्स इट्स मेड ऑफ ग्लास नेक्स्ट वन इज दिस इज अ बुक एंड वॉट इट्स मेड ऑफ पेपर दिस इज अ बुक इट्स मेड ऑफ पेपर कम टू द नेक्स्ट वन दिस इज अ टेबल और टेबल बना किस चीज से है इट्स मेड ऑफ वुड ये किससे बना है लकड़ी से बना है दिस इज वॉल ये क्या है दीवार है और इट्स 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 मेड ऑफ ब्रिक्स और ये किस चीज से बना हुआ है पत्थर से बना हुआ है

अब वॉट वी हैव टू डू वी वी कैन कम्बाइन दिस सेंटेंस एज अपन इस सेंटेंस को कैसे कम्बाइन कर सकते हैं यू मे ड्रॉ आइदर अ ग्रीन और अ रेड सर्कल आप या तो रेड या तो ग्रीन सर्कल बना सकते हैं नाउ कम्बाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज शोन इन दबव एग्जाम्पल जैसे इस एग्जैम्पल में आपको दिया गया है ये एग्जाम्पल और उसके बाद ये कंबाइन करा गया है यू हैव टू डू इन दिस ओके ये फोर्थ जो क्वेश्चन है इनके साथ यू हैव टू डू द सेम थिंग्स ना तो फर्स्ट वन इज यू मे राइट इन इंग्लिश एंड उसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है यू मे राइट इन योर ओन लैंग्वेज आप जो है इंग्लिश लिख सकते हैं या सॉरी और अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं आपका खुद का लैंग्वेज जिस भाषा में आप बात करते हैं सो यू कैन राइट इट लाइक दस वेटर वेल ओके यू कैन राइट आइदर इन इंग्लिश और इन योर लैंग्वेज है ना वी कैन कंबाइंड इट लाइक दिस ना कम टू द सेकेंड वन यू कैन टेक अ बस यू कैन टेक अ ट्रेन आप बस ले सकते हैं आप ट्रेन ले सकते हैं सो हाउ कैन यू कम्बाइन इट लाइ इट यू कैन टेक आदर बस और अ ट्रेन आप बस ले सकते हैं या तो ट्रेन से जा जा सकते हैं कम टू द नेक्स्ट वन थर्ड वन इज ही कैन यूज़ माई कार ही कैन यूज़ माई मोटरसाइकिल वो मेरा कार यूज़ कर सकता है वो मेरा मोटरसाइकिल यूज़ कर सक so we can combine it like this he can use either my car or my motorcycle वो मेरा car use कर सकता है या motorcycle use कर सकता है fifth one is they can live in the hostel they can live in a hotel nearby है ना वो होस्टल में रह सकते हैं वे uh, होटल के पास रह सकते हैं so we can combine it like this they can live either in the hostel और इन दी होटल नियर बाय है ना वो होस्टल में रह सकती हैं रह सकते हैं या होटल के आसपास रह सकते हैं ना कम टू लेट्स राइट ओके राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन कैन वन कैन गेट बाय लुकिंग एट अ रैपर है ना आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको लिखना है जो अपन रैपर से देख कर समझते हैं है ना सो so, क्या क्या अपन देखते हैं रैपर में बाय लुकिंग एट द रैपर we can get information about the name of the product its price when it was packed weight of the wrapper oh sorry wet weight of the product okay list of the ingredients pkd and mfd whether it has vegetarian ingredients or it consists some non-vegetarian ingredients okay we uh वी कैन also गेट द information अबाउट द manufacturer ऑफ द प्रोडक्ट from the wrap ओके okay? तो अपन को क्या क्या चीज़ें पता चलती hai प्रोडक्ट का नाम क्या है प्रोडक्ट का प्राइस क्या है प्रोडक्ट कब पैक हुआ था उसका डेट ऑफ मैनुफैक्चर कब है है ना कब एक्सपायरी डेट है ओके इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से उसमें लगे हुए हैं वो नॉन वेजिटेरियन की वेजिटेरियन है मैनुफैक्चरर कौन है ये सारे इन्फॉर्मेशन अपन को कहाँ से पता चलता है रैपर से पता चलता है नाउ लेट्स डू ये करेंगे अपन कलेक्ट रैपर ऑफ फाइव प्रोडक्ट एंड फाइंड द रेड ग्रीन सर्कल एम एफ डी और पी के डी तो आपको ये खुद से करना है क्या करना है आपको रैपर कलेक्ट करना यू कैन टेक अ रैपर ऑफ चॉकलेट यू कैन टेक अ रैपर ऑफ बिस्किट और uh, और वॉट uh, uh, कुरकुरे टाइप्स है ना uh, जो भी आपको रैपर मिले और uh, जो भी नॉन वेजिटेरियन वाले जो भी हो आपको केक भी आता है इस टाइप के तो इन ये रैपर आपको कलेक्ट करना है उसमें जो न, क्या है ग्रीन सर्कल uh, है रेड रेड सर्कल है यू हैव टू मेंशन इट यू हैव टू राइट इन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पेस्ट दैट रैपर इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉट राइट वंटेंट रेड सर्कल और अ ग्रीन सर्कल ओके और मैनुफैक्चरिंग डेट क्या है पैकेजिंग डेट क्या है यू हैव टू राइट इन इट ओके यू हैव टू राइट इन इन योर नोटबुक सो This is all about our chat. Have a good day.